वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास, इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज रिलेटेड टू द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और कार्बन के एलोट्रॉप्स में बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलर स्ट्रक्चर, दैट इज बकमिंस्टर फुलरेन C60 स्ट्रक्चर। फाइन, एंड नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो आज हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट, कार्बन इज ए यूनिक एलिमेंट, और विद द हेल्प ऑफ कार्बन एलिमेंट हमारे बहुत से ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, बना सकता है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेटा कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन कैटिनेशन, या फिर आपसे पूछा जाए राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो आप उसमें पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कैटिनेशन? तो द प्रॉपर्टी ऑफ इन फॉर्मिंग ए बॉन्ड विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, टेंडेंसी रखता है, तो उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है। और सिंपली हम कैटिनेशन को बोल सकते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की खुद के साथ लिंक करने की प्रॉपर्टी, तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ओके, सो अब इस प्रॉपर्टी के बाद हम डिस्कस करते हैं कैटिनेशन के कुछ एग्जांपल्स। कैटिनेशन के एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो कैटिनेशन के एग्जांपल में बच्चे आ जाता है हमारे पास टॉपिक, द फर्स्ट इज, ये देखिए, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी रखता है। दिस इज सिंगल चेन इन विच कार्बन लिंक विद द कार्बन। कार्बन कार्बन के साथ ब्रांच चेन बनाने की भी कैपेसिटी रखता है। कार्बन कार्बन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की भी कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक ए लिंक, टू मेक ए बॉन्ड विद द सेम एलिमेंट, अपने ही एलिमेंट के साथ, खुद के एलिमेंट के साथ जब कोई एक एलिमेंट बॉन्ड बना लेता है, और वो बॉन्ड जरूरी नहीं है वो लीनियर फॉर्म में बनाए, वो बॉन्ड में भी ली स्ट्रेट लाइन, द बॉन्ड में भी इन ए ब्रांच फॉर्म, ये जो बॉन्ड बनाए में भी इन ए साइक्लिक फॉर्म, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की क्या होती है बच्चे? कैटिनेशन। ठीक है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास टेट्रावेलेंसी। अभी टेट्रावेलेंसी क्या होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही स्टार्टिंग से इसके बारे में थोड़ा सा हिंट बता दिया था कि कैटिनेशन सेकेंड प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी क्या होती है। तो आप देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका लेविस सिंबल के अकॉर्डिंग इसके पास 4 डॉट, हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। तो कार्बन को और हर एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ लिंक कर सकता है? या 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक कर सकता है। और 4 हाइड्रोजन से लिंक करने के बाद कार्बन क्या कर लेगा बेटा? कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और 4 वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, इससे हाइड्रोजन का तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट, और कार्बन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। यस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। तो टेट्रावेलेंसी इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, 4 वो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, और यही उसकी वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अदर 4 एटम्स के साथ। ठीक है, और खुद के 4 एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग में यूज करता है, म्यूचुअल शेयरिंग में यूज करता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग द शेयरिंग यूज करता है, और अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यह दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। ठीक है, 4 वैलेंसी है कार्बन की, आपको पता है, और शेयरिंग में अपने 4 इलेक्ट्रॉन ही वो यूज करता है, हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कैटिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, टेट्रावेलेंसी। और थर्ड है कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखो, मैंने भी आपको ये तो बताया कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और अब मैं आपको एक बात बता रही हूं, इस कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड अपने अराउंड नहीं बना सकता, क्योंकि एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके साथ सिर्फ 2 ही एटम जुड़ते हैं, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ तो उसके साथ 1 अदर एटम जुड़ सकता है बस, क्योंकि 3 बॉन्ड उसने बना लिए हैं, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 यहां हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कार्बन के अराउंड।
इसका कोई, और इसको बोलते हैं बच्चे कॉमन नेम में इथाइलीन, और इसे कॉमन नेम में बोला जाता है बेटा एसिटाइलीन। तो आप इनके नाम याद कर लीजिए, कॉमन नेम, ये इनके कॉमन नेम है। तो कार्बन हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, हो गया इतना समझ आया। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को एक बार दोबारा से देखें। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, अपने साथ लिंक करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी, चार उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो यूज करता है बॉन्डिंग में, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज फोर। एंड थ्री इज फॉर्मेशन ऑफ या कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल, मल्टीपल बॉन्ड में आ जाता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट, वर्सेटाइल एलिमेंट, इट फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, वो ऐसा अपनी प्रॉपर्टीज के कारण करता है। अच्छा एक बात, तो कैटिनेशन शो करने का क्या रीजन है, कार्बन ही सिर्फ कैटिनेशन क्यों शो करता है, इतना बड़ा हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, 118 एलिमेंट हमारे पास होते हैं, तो कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड में भी कार्बन कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एक और भी एलिमेंट है सिलिकन, सिलिकन ज्यादा से ज्यादा लिंकेज कर सकता है बेटा 7 एलिमेंट की, 8 एलिमेंट की, सिलिकन सिलिकन सिलिकन, बस इससे ज्यादा सिलिकन की कैटिनेशन नेचर नहीं होता। तो कैटिनेशन वर्ड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये कैटिनेशन वर्ड बच्चे जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी काफी जगह पे, जब आप कोई एलिमेंट की स्टडी कर रहे होंगे तो ये आपको लिखा होगा इट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए जब कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखे, खुद के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखे, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। एंड दिस प्रॉपर्टी शो बाय द कार्बन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट एंड स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब टेट्रावैलेंसी जब ये शो करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तब भी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तब भी बॉन्ड क्या होते हैं इसके, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इतना मध्य, अब तो ये है तीन कार्बन की प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाइड्रोकार्बन। अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे क्या होता है, नाम से क्लियर है हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन, बेटा नाम से क्लियर हो रहा है, द कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो, वो होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, एंड दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चा ये चीज आप अभी पढ़ भी चुके हो, सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कार्बन का कंपाउंड और जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन का कोई भी कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कितनी भी लंबी चेन हो बट सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल, वो खुद भी आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी बेटा मैंने इसका भी एग्जांपल, जब आपको मल्टीपल बॉन्ड पढ़ाया तो इसका भी एग्जांपल दिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड बनाता है, व्हेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू और मोर डबल बॉन्ड और मे बी ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, या तो किसी कंपाउंड में दो, एक या एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिलाकर बेटा मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। और अभी मैंने इनका नाम बताया था इथाइलीन, कॉमन नेम इसका इथाइलीन और इसका है एसिटाइलीन, फाइन। तो अभी आपको पता लगा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। बट आप धीरे धीरे करके एक बात और पढ़ेंगे, हाइड्रोजन को हटाकर कुछ अदर ग्रुप भी लगाए गए, उन्हें भी बाद में हाइड्रोकार्बन में ही इंक्लूड किया गया। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, दे आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड कार्बन लिंक विद कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन लिंक विद कार्बन आइदर बाय डबल बॉन्ड और आइदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, और वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल बन जाएंगे, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। तो अब पहले आपने टॉपिक क्या पढ़ा, कार्बन की प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई, कार्बन कार्बन से लिंक करने की कैपेसिटी रखता है उसे कैटिनेशन कहते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी, कार्बन अपने चार इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज कार्बन एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स में आ जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि उतने में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और हर एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, अपने पास आठ इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, और आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, ये देखिए जैसे ये एग्जांपल है, तीन बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो तीन बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन चार, चार बॉन्ड में आठ इलेक्ट्रॉन है, तो ईच एलिमेंट मस्ट कंप्लीट इट ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल, ठीक है, ये बात भूली नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो हीलियम नोबल गैस की तरह रहता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है और एक वो दूसरे से शेयर करता है ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट वाली बात बेटा आप लोगों को भूलनी नहीं है। उसके बाद अपने टॉपिक ये दिखा है हाइड्रोकार्बन का, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर, एक होते हैं बच्चे, जैसे अभी आपने छोटा सा एग्जांपल देखा, मैं आपको कितनी देर से बता रही हूँ, तो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन कितने दिख रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर, आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन नजर आ रहे हैं बेटा C4 और H10, ठीक है, तो इस C4H10 के अगर आपसे पूछे जाए आइसोमर्स बनाओ, अभी आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में टॉपिक है, बट अप टू योर लेवल एक ही आइसोमर आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, वैसे आइसोमर कंसेप्ट की प्रॉपर्टी को फिनोमिना, आइसोमर एक एक्चुअली फिनोमिनन है जिसे आइसोमेरिज्म बोला जाता है, ठीक है, और अगर मैं कोई भी कंपाउंड देकर पूछूं ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ दिस, तो आइसोमर्स आपके सिलेबस में आपको कितना पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में एक ही आइसोमर है, ठीक है, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया C4H10 के आइसोमर्स ड्रॉ करो, क्योंकि आपने लेवल तक एक ही आइसोमर है स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ही ड्रॉ करोगे, होता क्या है ये, जैसे इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या तो मैं इसको स्ट्रेट चेन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या फिर पॉसिबिलिटी है कार्बन उतने ही रहने चाहिए, हाइड्रोजन उतने ही रहने चाहिए जितने बोले हैं आपको, चाहे इसको मैं ब्रांच में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बिल्कुल तीन या लगा दिया हाइड्रोजन, तीन या और एक या, देखो एक कार्बन के अराउंड चार बॉन्ड बनाने हैं मैक्सिमम, एक दो तीन चार आपको दिख रहे हैं, ये C4 है H10 है, यहाँ पर भी क्या है बेटा, इस कार्बन पे तीन H लगाए हैं, एक दो तीन, यहाँ पर भी एक दो तीन और यहाँ पर एक H, तो ये हो गया C4H10 का, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो गया, बट फॉर्मूला क्या है, सेम, सो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड दिस प्रॉपर्टी, दिस फिनोमिनन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो अभी आपको पता लगा कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, जब कार्बन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बोला जाता है, और आपके सिलेबस में एक टॉपिक और निकल के आता है, ये जो कंपाउंड्स बना रहे हैं इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बनाए हैं अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए और इससे पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपसे पूछे जाए, आपके सिलेबस में इसे आइसोमर्स नाम से ही जानते हैं बट एक्चुअली इट इज ए स्पेसिफाइड टॉपिक, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाई है, ये स्पेसिफाई ऐसे नहीं है कि मतलब जब हायर स्टडीज करेंगे या आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे 11-12 में तब आप देखेंगे कि आइसोमर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही एक वास्ट कंसेप्ट है, तो आइसोमर आपके सिलेबस में एक ही टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, तो ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C4H10, तो पॉसिबल सेम फॉर्मूला रहना चाहिए, स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हैं, ब्रांच भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ बेटा इसी बात को समझाने के लिए, C5H12, ठीक है, इसके आइसोमर बनाइए, तो आप इसे स्ट्रेट चेन में भी बना सकते हैं,
ब्रांच चेन में भी बना सकते हैं, फर्दर ब्रांच में भी बना सकते हैं। अब इस कार्बन पे टर्मिनल एंड वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन की ही जरूरत पड़ती है बेटा, सेंटर वालों पे सिंगल बोन के केस में 2 हाइड्रोजन की बोन जरूरत पड़ती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखियो इसके अराउंड 3 बोन और चाहिए, 1 बोन तो है तो कितने चाहिए 3, यहाँ पर कितने चाहिए 2 बोन तो है, 2 और एटम चाहिए। यहाँ 3 टर्मिनल जो कोने वाले होते हैं उनपे हमेशा 3 हाइड्रोजन लगते हैं, 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। सेम इसी तरह 3 3 3 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं C5 है सब केसेस में और H12 है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, इट इज दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ C5H। अगर आ जाए एग्जाम में ड्रॉ द आइसोमर ऑफ C5H12, तो इस तरह से आप आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो C5H12। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है सबका, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, पता लगा इतना। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बता देती हूँ, सबसे ज्यादा बच्चे बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका है, स्ट्रेट चेन का, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन आपस में पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में ज्यादा रहता है। जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी अट्रैक्शन उनका आपस में एलिमेंट्स का वीक हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीन, वैसे ऐसा क्वेश्चन हायर क्लासेस में ही आता है, फिर भी आपसे अगर पूछ लिया जाए इन तीनों में से जो आपने C5H12 के आइसोमर ड्रॉ करे हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता है, बिकॉज स्ट्रेट चेन के कंसेप्ट में अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ब्रांचिंग जितनी जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है अट्रैक्शन वीक हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों आज आप लोगों ने क्या सीखा, आज आप लोगों ने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड टॉपिक रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन दैट आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क रेगुलरली इन ए नीट एंड क्लीन वे, ओके।